कि भारतीय अभिनेत्री हैं, जब भारत में कभी भी इस तरह की कोई घटना होती है तो वो कभी भारत के लिए नहीं बोलती, लेकिन जब विदेश में इस तरह की कोई बात होती है कि भाई ब्लैक लाइव्स मैटर वाली जब बात आई या कोई भी इस तरह की कोई विदेशों में बात होती थी उसको लेकर ज़रूर बोलेंगे, लेकिन भारत के मुद्दों पर चुप रहेंगे। टीकरी बॉर्डर के पास में जो हुआ उसके ऊपर किसने क्या बोल दिया, हम सभी ने देखा। जय हिंद दोस्तों। इज़राइल और फिलिस्तीन में जो युद्ध चल रहा है उसके बाद भारत में जो हालात बन गए हैं, मतलब भारत में लोगों का बस नहीं चल रहा, नहीं तो एक दूसरे को पकड़ पकड़ कर मारने लगे। इसलिए कहा जाता है कि भाई यारी दोस्ती में जब भी इस किसी राजनीतिक मुद्दे के ऊपर बात करो या किसी दूसरी चीज़ के ऊपर बात करो तो उस समय अपनी दोस्ती को मत भूलो। मतलब कई लोगों की तो दोस्तियाँ ही ख़त्म हो रही हैं इस चक्कर में। भाई अगर आप फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि फिलिस्तीन आपकी कोई मदद कर देगा यहाँ पे। अगर आप इसराइल को मदद कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि भाई इसराइल तो मदद कर ही रहा है भारत की, अब देखिए उस बारे में कुछ नहीं बोल सकते। फिलिस्तीन से क्या मदद आई थी ये मुझे नहीं पता, पर इसराइल से तो मदद ज़रूर आई थी और इसलिए मैं कहीं ना कहीं इसराइल का सपोर्ट भी करता हूँ कि भाई अब उसके ऊपर कोई कुछ कर रहा है तो उसको तो जवाबी हमला करना ही पड़ेगा। और जो बिडेन भी ये चीज़ साफ साफ तौर पर बोल चुके हैं। इसीलिए इसराइल और फलस्तीन के मामले में जो कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि जो विश्व के इतने बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं वो आखिर क्यों इस मुद्दे में कुछ बोल नहीं रहे हैं, और बोल भी रहे हैं तो सिर्फ बोल ही रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे, मतलब कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। और इसीलिए कई सारे लोगों में इस बात को लेकर एक खिसियाहट भी है। खिसियाहट खासतौर पर उन लोगों की तरफ है जो कि फलस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, और भारत में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है। अब देखिए भारत तो एक डेमोक्रेसी है, भारत कोई मतलब कोई खलीफा और या फिर इस तरह का कोई वो तो है नहीं कि भाई एक कोई तानाशाह है सद्दाम हुसैन टाइप का या फिर वो कौन था गद्दाफी टाइप का कि उनकी तरह कोई चला रहा है कि भाई कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। सद्दाम हुसैन के टाइम पे तो क्या क्या चीज़ें होती थी, एक मूवी है डेविल्स डबल, आप वो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बहरहाल अभी इसराइल में जो हालात पूरे बने हुए हैं उसके ऊपर पूरी दुनिया की नज़र है कि वहाँ पर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। दोनों तरफ से कई सारे हज़ारों की संख्या में रॉकेट दागे जा रहे हैं, और सही बात है अपने लोगों की सुरक्षा करना सभी का कर्तव्य होता है और यही लोग कर भी रहे हैं। अब इन चीज़ों को जब हम देखते हैं गौर तरीके से तो फिर कुछ और चीज़ें हैं जो कि निकल के सामने आना शुरू होती हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं उनका इस बारे में क्या कहना है और क्या सोचना है, क्योंकि वो जिस तरीके से इन चीज़ों को डील कर रहे हैं साफ तौर की बात उन्होंने कह दिया कि हमारे ऊपर कोई हमला करेगा तो हमारे पास जितने भी ऑप्शंस हैं हमारे पास तो वो सभी के सभी मौजूद हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि भाई फिलिस्तीन क्या है क्या नहीं है और इसराइल तो कभी देश ही नहीं था, तो आपको याद करना चाहिए म्यूनिक ओलंपिक में किस तरीके से फिलिस्तीन के आतंकवादियों ने इसराइल के लोगों को मारा था। आपको सर्च करना चाहिए, आपको पता चल जाएगा क्यों दुनिया समय इसराइल के साथ खड़ी है या इसराइल को कुछ कर नहीं रही। आपको खुद ये चीज़ देखनी चाहिए, आपको समझनी चाहिए। फिलिस्तीन और इसराइल के बीच अब आर पार की जंग जो है वो छिड़ चुकी है। मंगलवार मतलब 11 तारीख को फिलिस्तीन के हमास संगठन ने अब तक का सबसे बड़ा हमला बोलते हुए इसराइल पर 1000 से भी ज़्यादा रॉकेट दाग दिए। तो वहीं इसराइल ने मंगलवार को गाज़ा पर हवाई हमले कर 2 बहुमंजिला इमारतों को निशाना बनाया। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि इसराइली सैन्य अभियान ने गाज़ा आतंकवादियों को बड़ा झटका दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि ये लड़ाई कुछ समय के लिए जारी रहेगी। मंगलवार देर रात तक राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित भाषण में उन्होंने कहा कि हमास और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के आतंकवादी समूह को इसराइल के नागरिकों पर अपने हमलों के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि इसराइल एक गहन अभियान के साथ आगे बढ़ेगा लेकिन मिशन को पूरा करने में समय लगेगा और इसराइल के निवासियों को अधिकारियों द्वारा जारी किए गए सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। इस तरह की खबरें जो है लगातार सामने आईं। रक्षा मंत्री बेनी गेंजेट और IDF चीफ ऑफ स्टाफ अवीव कोहवी के साथ बयान देते हुए नेतन्याहू ने फिलिस्तीनी आतंकवादियों समूह को दोषी ठहराते हुए कहा कि उनका खून उनके हाथों पर है। हमले के एक दिन बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि हवाई हमले में 3 घातक परिणाम सामने आए हैं जिसमें एक भारतीय नर्स की मृत्यु भी शामिल है। उन्होंने कहा कि हम एक दुश्मन के सामने एकजुट होते हैं, हम सभी मृतकों के लिए शोक मनाते हैं और घायलों के लिए प्रार्थना करते हैं और IDF बलों के साथ खड़े हैं। नेतन्याहू के बाद रक्षा मंत्री गेंट्स ने बोलते हुए कहा कि इसराइल रक्षा बल सभी को सुरक्षित रखता है, यहूदी और अरब समान हैं। इसके अलावा उन्होंने देश के भीतर 2 समुदायों के बीच शांत रहने का भी आह्वान दिया। हालांकि रक्षा मंत्री ने बताया कि प्रतिशोध लिया जाएगा और IDF ने पाइपलाइन में कई लक्ष्यों को पहचान लिया है और वह गाज़ा में स्ट्राइक कर सकता है। उन्होंने कहा कि इसराइल पर फायर करने के उनके लापरवाह फैसले के कारण आतंकी संगठन बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। IDF चीफ कोवी ने स्पष्ट किया कि इसराइल सेना केवल एनक्लेव में फिलिस्तीनी आतंकवादी समूहों को कड़ी टक्कर दे रही है और पिछले 1.5 दिनों में 500 से अधिक टारगेटेड स्ट्राइक हुए हैं। कोवी ने दोहराया कि हम सबसे गंभीर तरीके से आतंकी समूह पर प्रहार करने के लिए दृढ़ हैं। सेना ने शुरू में यह माना कि इसराइल राज्य के विनाश के लिए समर्पित एक आतंकवादी संगठन हमास इस समय इसराइल के साथ पूर्ण रूप से संघर्षरत नहीं था। हालांकि पिछले 2 दिनों में उस
आकलन में बदलाव आया जब फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह ने दो घटनाओं का अंजाम दिया। अलक्सा हमले के बाद यरूशलम में अशांति और इसराइल पर हमला करने के लिए शेख जर्रा से फिलिस्तीनी परिवारों को बेदखल करना। इसी घटना पर बोलते हुए इसराइल की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी शिनबेट के प्रमुख नादन अर्गमन ने घोषणा की कि आतंकवादी संगठनों द्वारा हिंसा के बाद अब बात करने का समय बचा ही नहीं है। हमास आतंकवादी समूह जो वर्तमान में गाजा पर शासन करता है, उन्होंने दावा किया कि इसराइल पर एक हिंसक हमले के एक के बाद एक 130 से अधिक रॉकेट लॉन्च किए गए थे। इसराइली बलों के मुताबिक फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के आतंकवादी भी इसराइल पर हमला करने वाले रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं। इसराइली आतंकवादी ठिकानों पर जवाबी हमलों में लगा हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप हमास के दो शीर्ष नेता मारे गए। एक अपडेट देते हुए नेतन्याहू ने बताया कि सेना ने अब तक गाजा पट्टी में सैकड़ों ठिकानों को निशाना बनाया है और आश्वासन दिया है कि छापेमारी जारी रहेगी। अब ये जो हमलों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, इन खबरों के सामने के आने के बाद से मैंने वही बताया कि दुनिया जो है दो धड़ों में समय बट गई है। एक तरफ तो जहाँ पर बताया जा रहा है कि भैया इसराइल जो कर रहा है वो सही कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि फिलिस्तीन के साथ जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। लेकिन वहाँ पर ये सवाल कोई खड़ा नहीं कर रहा कि फिलिस्तीन के साथ जो हो रहा है उसका आखिर वो इस मौके पर इस मुकाम तक पहुँचा कैसे। भाई धर्म के आधार पर आप लड़ाई जब आप शुरू करते हो तब आप ये कहते हो कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन जब सामने वाला प्रतिक्रिया देता है या फिर अपने बचाव के लिए कुछ भी काम उठाता है तो उसको आप गलत ठहराने लगते हो। ये चीज़ कहाँ तक सही है ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आती। गैल गैडोट जो कि वंडर वूमन में थी, उन्होंने अपने ही देश की बात करी तो भैया लोगों को मिर्ची लगने लगी। भाई कोई किसी को जब अपना ही घर तबाह होता हुआ दिखेगा तो वो क्यों अपने घर की बात नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात मेरी तो यहाँ पर ये है कि भारतीय अभिनेत्रियाँ जब भारत में कभी भी इस तरह की कोई घटना होती है तो वो कभी भारत के लिए नहीं बोलती, लेकिन जब विदेश में इस तरह की कोई बात होती है कि भाई ब्लैक लाइव्स मैटर वाली जब बात आई या कोई भी इस तरह की कोई विदेशों में बात होती थी उसको लेकर ज़रूर बोलेंगे, लेकिन भारत के मुद्दों पर चुप रहेंगे। टीकरी बॉर्डर के पास में जो हुआ उसके ऊपर किसने क्या बोल दिया हम सभी ने देखा। तो इसीलिए मुझे तो वो पूरी तरीके सही लग रही हैं क्योंकि वो अपने घर में जो चीज़ चल रही है उसकी रक्षा करने की बात कर रही हैं। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति अपने घर की बात नहीं करेगा तो क्या पड़ोसी के घर की बात करेगा, और पड़ोसी तो इतना अच्छा है नहीं आपका कि आपको आपकी आके फिक्र करे। वो भाई ये चीज़ हम भी झेल रहे हैं और इसराइल भी झेल रहा है। और सबसे बड़ी बात, यूएन का रोल जितना भारत और पाकिस्तान के संबंधों को बिगाड़ने में है उतना ही फलस्तीन और इसराइल के संबंधों को बिगाड़ने में भी है। देखिए भारत में उन्होंने कश्मीर मुद्दा बना दिया और यहाँ पे भी ब्रिटिशर्स ही थे जिन्होंने भारत पाकिस्तान का विभाजन करके कश्मीर को मुद्दा बनाया था, और ठीक वैसा ही फिलिस्तीन में भी हुआ जहाँ पे इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में जेरूसलम को मुद्दा बना दिया गया और वहाँ पे यूएन लगा दिया गया कि भैया यूएन का वहाँ पे राज चलेगा, जो कि चल नहीं पाया। अब भाई जितना ज़्यादा मैं कहूँगा टॉलरेंट देश भारत है उतना इसराइल नहीं है, इसलिए इसराइल पर जब हमला हुआ तो उन लोगों ने बिल्कुल जवाबी प्रतिक्रिया दी और सही किया। भाई कोई जब आपको बार बार परेशान कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपके घर में रहने वाले लोगों को परेशान कर रहा है, तो वहाँ के नेताओं की ये जिम्मेदारी होती है कि वो इस बात में कोई कदम उठाए, ना कि भारत जैसे कि वेस्ट बंगाल में अपने ही लोगों को परेशान होना पड़ रहा है और लोग हैं कि कदम ही नहीं उठा रहे। बस मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।